नमस्कार दोस्तों, जीनियस लर्निंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस। अगर आप भी जीनियस बनना चाहते हैं तो दबाइए इस बटन को, दबाइए। तो देखिए दोस्तों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग के 10 मिनट्स हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, जो चीज़ें शायद आपको आती हैं तो आप रिवाइज़ कर लीजिए और लिख लीजिएगा, ठीक है। और आपको नहीं आती हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इन चीज़ों के बगैर आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस नहीं बन पाएगी, ठीक है ना। देखिए, हम क्या क्या पढ़ेंगे। कुछ सम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ पढ़ेंगे, ठीक है, जो आपको शायद 10th में ना 11th में शायद आपको बहुत याद कराई हैं, फिर भी मैं एक बार रिवाइज़ कराऊँगा। सेकेंड चीज़ हम क्या पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट क्या होता है, बहुत आराम से समझ आ जाएगा। और उसके बाद हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ इनवर्स, है ना। बहुत ईजी है, आपको ये बहुत ही ज़्यादा ईजी लगेगा। अब देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस सबसे पहले मैं समझा दूँ बोर्ड के लिए, ये 5 मार्क्स का आता है, ठीक है ना, जिसमें से 4 मार्क्स का एक्सरसाइज 0.2 में से आता है, 2.2, और 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। इन में से क्वेश्चन ज़रूर आएगा, 1 से लेकर ये कितने हैं 14 तक, है ना, 1 से 14 तक एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का 100% आएगा। अब 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, प्लस अगर आप 0.1 नहीं सीखेंगे तो आप 0.2 कभी नहीं कर पाएंगे। तो 0.1 सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 0.2 से, ठीक है ना, क्योंकि बेसिक ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप निकालिए कॉपी पेन, ठीक है, और कुछ चीज़ें मैं समझाता हूँ वो आप बहुत प्यार से समझिएगा, है ना। 10th की चीज़ें आती हैं तो अच्छी बात है, रिवाइज़ करिए। अगर नहीं आती हैं आपको तो टेंशन मत लीजिए, पूरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपकी हो जाएगी, बस आप जो कह रहा हूँ वो समझते चलिएगा, है ना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पर, इम्पोर्टेंट, है ना। इम्पोर्टेंट मतलब कि ये आपको पता होना चाहिए कि एक पाई चीज़ होती है, क्या पाई, जिसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री। पाई को क्या कहते हैं हम, 180 डिग्री, ठीक है। एक रिलेशन होता है पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो आपको बस क्या करना है कि पाई का मतलब क्या समझना है, 180 डिग्री, है ना। अब इसके बाद आप सोचिए, अगर इस पाई को 2 से डिवाइड कर दूं, मैं इधर मैं क्या कर दूं, पाई को 2 से डिवाइड कर दूं, तो इधर भी तो 180 को डिवाइड करूंगा ना मैं 2 से, है ना। तो पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाती है ऐसे, 90 डिग्री। मतलब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो पाई 180 डिग्री याद रखना है, पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँगा, पाई बाई 3 किससे, 3 से, तो इधर भी 3 से करूँगा, तो 180 को 3 से डिवाइड करेंगे 60 आएगा, ठीक है। तो पाई बाई 3 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ऐसे ही अगर मैं पाई को 6 से डिवाइड करूँगा तो पाई बाई 6 कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है ना। ये वीडियो खास करके उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने 11th का 10th का ट्रिग्नोमेट्री कमज़ोर है थोड़ा, तो उनके लिए एक एक बेसिक चीज़ मैंने यहाँ रख दी है, जिससे उनको टेंशन ही नहीं होगी बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए, इतना समझ आ गया ना दोस्तों, ठीक है, आप समझिएगा। देखिए, इसके बाद आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ याद रखनी है, जैसे साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है, क्या होती है, साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो। अब ये बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम ही है, साथ साथ लिख लीजिएगा, क्योंकि लिखते लिखते ही आपको याद होंगी, कभी ना कभी याद करनी है, तो आज ही कर लेते हैं ना, तो आप आज याद करिए इन्हें और लिख लीजिए, उससे क्या होगा, अपने आप याद हो जाएंगे यूज़ करते करते, ठीक है। साइन ज़ीरो कितना होगा, ज़ीरो, और साइन 30 डिग्री कितना होता है दोस्तों, 1/2 होता है, ठीक है, साइन 30 डिग्री 1/2। साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, और साइन 90 कितना होता है, 1। ओके, याद है तो अच्छी बात है, लेकिन इसको लिखाने के साथ साथ एक काम और कराता हूँ मैं आपको। देखिए, साइन 0 है तो यहाँ तो हम साइन 0 ही लिखते हैं, समझिएगा, तो 0 ही आएगा, डिग्री हटाते हैं, ठीक है, 0 साइन 0। लेकिन अब यहाँ एक नई नई चीज़ सीखिए, देखिए, साइन 30 डिग्री की जगह आप ये समझिए कि साइन 30 डिग्री को आप यहाँ से देखिए, यहाँ से साइन पाई बाई 6 लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 6। जो कह रहा हूँ उतना करिए, आपकी ट्रिग्नोमेट्री के 5 नंबर कंफर्म आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो इससे आप ये समझिए कि 30 डिग्री को हम पाई बाई 6 भी लिखते हैं। प्रैक्टिस करिए मेरे साथ साथ, तो साइन पाई बाई 6 भी कितना हो जाएगा, 1/2। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो किसी काम की नहीं होगी ये वीडियो, ठीक है ना। साइन पाई बाई 6 कितना होगा, 1/2। सेम यहाँ करिए साथ साथ, साइन 45 डिग्री अगर भाई 1/√2 होता है, तो ऐसे ही हम समझ जाएंगे कि साइन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी है, देखिए
या मैंने लिखा नहीं है, एक और लिख देता हूँ मैं, देखिए पाई बाई फोर आपका हो जाता है 45 डिग्री। पाई बाई फोर कितना होता है? 45 डिग्री। कैसे? इस पाई को 4 से डिवाइड करेंगे तो 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 ही तो आएगा, इससे कैंसिल हो के, हाँ या ना बताइए। तो पाई बाई फोर कितना हो जाता है? 45। बस एक और है ना, तो साइन 45 डिग्री अगर 1/√2 है तो यहाँ पर साइन पाई बाई फोर भी कितना हो जाएगा? 1/√2। समझ गए ना क्या करना है? बस आपको यहाँ से देखना है कि पाई बाई फोर होता है, पाई बाई सिक्स होता है, और बहुत प्यार से करते जाना है। ये कर देंगे ना बस ट्रिग्नोमेट्री आपके हाथ में आ जाएगी इन्वर्स वाली। अब देखिए साइन 60 डिग्री को आप साइन 60 डिग्री कितना होता है? 180/3, मतलब पाई अपॉन 3, ठीक है, ऐसे भी याद करिए। तो साइन पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? √3/2। ओके, अब देखिए साइन 90 डिग्री, 90 को 180/2 करिए मन में, 180/2 ही तो होता है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? π/2। या तो यहाँ से चेक करिए या मन में करिए। तो साइन π/2 कितना हो जाएगा? 1। ओके, तो ये साइन की वैल्यूज़ आपकी ख़त्म हो गई, ठीक है, इतनी याद करनी है। चलिए कॉस में आते हैं। देखिए कॉस 0 1 होता है तो इधर भी कॉस 0 ही आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना, इसकी 0 की कोई दिक्कत नहीं है। कॉस 30 डिग्री में हम क्या लिखेंगे भाई? 30 डिग्री क्या होता है? 180/6 करेंगे तो 30 आएगा, इसका मतलब 5/6 करूँगा तो मैं √3/2 आ जाएगा, मतलब 5/6 30 हो गया ना ये वाला, ठीक है ना। बस इनको चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो कॉस 30 डिग्री क्या हो जाएगा? कॉस 5/6 की वैल्यू √3/2। सेम कॉस 45 को मैंने अभी एक चीज़ लिखाई थी, कॉस 5/4, देखिए 5/4 लिखा था ना 45, तो कॉस 5/4 कितना हो जाएगा? 1/√2। ऐसे ही कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का क्या हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा, तो कॉस 5/3 कितना हो जाएगा? 1/2। और कॉस 90, मतलब कॉस 5/2 कितना हो जाएगा दोस्तों? कॉस 5/2 हो जाएगा 0 डिग्री, है ना। अब देखिए किसी बच्चे को 10th में अगर ट्रिक नहीं पता तो मैं बताता हूँ। देखिए आप एक बार बस साइन की वैल्यूज याद कर लीजिए, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ठीक है ना। अब कॉस की वैल्यू अगर आपको नहीं याद होती है तो क्या करिए, उल्टा चलिए, मतलब जो साइन 90 की वैल्यू थी वो कॉस 0 की हो जाएगी, ठीक है ना, जो यहाँ लास्ट में था वो पहले, उसके बाद साइन साइन 60 की जो वैल्यू है वो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, साइन 60 की कॉस 30, ठीक है। ये देखिए चौथा नंबर है तो ये सेकंड हो जाएगा इधर कॉस में। इसके बाद साइन 45 कॉस 45, 45 डिग्री पे सेम आते हैं वैल्यू, इसकी भी 1/√2, इसकी भी 1/√2, तो साइन π/4 कॉस π/4 दोनों सेम होती है ना। तो समझ गए ना, उल्टा चलना। देखिए इधर साइन 0 सबसे ऊपर था तो यहाँ पर कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, ठीक है ना, समझ आ गई इतनी बात। ओके, अब देखिए ये तीन रिलेशन जल्दी से लिख लीजिए आप, क्योंकि आपको ये वैसे भी याद होंगे, फिर भी लिख लीजिए कि भाई कोसेक एक्स की वैल्यू 1/sin x होती है, सेक एक्स की वैल्यू 1/cos x होती है, कॉट एक्स की वैल्यू 1/tan x होती है, ठीक है ना। इतना रिविज़न ज़रूरी है आपके लिए इन्वर्स के लिए, तो ये रिलेशन लिख लीजिए, ठीक है। जैसे कोसेक 5/4 की वैल्यू अगर मुझे चाहिए, क्या चाहिए मुझे, अगर मुझे मान लीजिए कोसेक 5/4 की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल 1/sin की वैल्यू तो मुझे याद ही हो गई, तो क्या कर लूँगा मैं, साइन 5/4 कर लूँगा, है ना। अब साइन 5/4 की वैल्यू आप यहाँ से निकाल दीजिए, ये रही, इसको आप यहाँ रखेंगे तो ऊपर आ जाएगी, तो कोसेक 5/4 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही आपको सेक की कोई भी वैल्यू चाहिए तो आप कॉस की वैल्यू यूज़ करेंगे, अगर आपको कॉट की कोई भी वैल्यू चाहिए तो आप टेन की वैल्यू यूज़ करेंगे। समझ गए ना दोस्तों? ओके, चलिए तो आगे करते हैं। आगे क्या है आपका? आगे होगा आपके ये तीन रिलेशन और हो जाएंगे, ये तीन रिलेशन समझिएगा, साइन एक्स बराबर 1/cos x, कॉस एक्स बराबर 1/sec x, टेन एक्स बराबर 1/cot x, ये तीन रिलेशन वही वाले हैं। देखिए यहाँ कोसेक बराबर 1/sin था तो इधर ऊपर दे जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये नीचे ही तो आएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स बराबर 1/cosec x, ठीक है ना। तो ये रेयरली यूज़ होते हैं, मतलब बहुत कम यूज़ होते हैं, तो आप इसको लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ होती हैं दोस्तों टेन की, तो टेन 0 कितना होता है? 0, टेन 30 डिग्री 1/√3, टेन 45 डिग्री 1, टेन 60 डिग्री √3, और टेन 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, जिसकी आपकी ज़रूरत भी नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए अब इससे फिर से पाई में कन्वर्ट करके देखिए कैसे होगा, टेन, देखिए ऐसे करते रहिए, आपको मज़ा भी आएगा और आपके काम भी आएगा, ठीक है ना। तो टेन 0 तो आपका 0 ही हो जाएगा। ओके, अब टेन 30 डिग्री को मन में सोचिए, 30 को 180 से मैं कितनी बार डिवाइड दूँ कि 30 आ जाए, तो 180 को अगर मैं 6 से डिवाइड दे दूँ भाई तो 30 तो आ जाएगा, इसका मतलब π/6 हो जाए तो ये क्या आ जाएगा,
वन अपॉन रूट थ्री, तो टेन पाई बाई सिक्स की वैल्यू कितनी होती है, वन अपॉन रूट थ्री। टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब फोर्टी फाइव क्या होता है भाई, पाई अपॉन फोर हो जाता है, एक सौ अस्सी को चार से डिवाइड करते हैं ना, तो टेन पाई बाई फोर वन। साठ क्या हो जाएगा, जब एक सौ अस्सी को आप तीन से डिवाइड कर देंगे है ना, तो टेन पाई बाई थ्री कितना आ जाएगा आपका, रूट थ्री। समझ गए दोस्तों, तो ये आपका कंसेप्ट ख़त्म। इतना कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, जिसके बाद आप सारे क्वेश्चन बहुत प्यार से आसानी से कर लेंगे, है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए 10 मिनट ही तो लगे पूरे, लेकिन 10 मिनट में आपको रिवाइज हो गया ना पूरा, ठीक है। तो और समझा देता हूँ, हमें ये पता होना चाहिए कि पाई, ये वो वैल्यूज़ होती हैं 180, और पाई बाई टू, पाई बाई फोर, पाई बाई थ्री, पाई बाई सिक्स, ये मन में ही रहनी चाहिए कि ये तो हाल हमारी जुबान पर है ही, हमें पता है। उसके बाद साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, साइन थर्टी वन बाई टू, ये वैल्यूज़ आप लिख लीजिए फटाफट से, और ये कन्वर्ट करना आप सीख जाइए कि 45 पाई बाई फोर कर देंगे, 60 को पाई बाई थ्री, और ऐसे वैल्यू निकाल लेंगे। ये इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि यही काम आएगा इन्वर्स में, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ट्वेल्थ का है ये कंसेप्ट ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट क्या होता है, समझिएगा दोस्तों। ये सबसे पहले मैंने लिखा है ना कि साइन इन्वर्स एक्स बराबर वाई, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए, आपके जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होंगे वो हमेशा ऐसे नज़र आएंगे, साइन इन्वर्स एक्स जैसे, या फिर कॉस इन्वर्स एक्स जैसे, ठीक है, अभी पहचानिए, और टेन इन्वर्स एक्स जैसे, समझ गए ना। अगर यहाँ इन्वर्स का साइन लगा है, समझ लीजिए कैसा फंक्शन है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, ओके। तो यहाँ से जो साइन इन्वर्स एक्स है दोस्तों, ये साइन इन्वर्स, खाली साइन इन्वर्स, ये इधर चला जाता है, तो ये साइन इन्वर्स अब इधर जाएगा, ये देख रहे हैं एरो, जब ये इधर जाएगा तो इधर सिर्फ एक्स बचेगा, और इधर साइन वाई हो जाएगा, कहाँ जाएगा, ये साइन वाई हो जाएगा, है ना। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, एग्जांपल देता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा आपके। देखिए साइन इनवर्स, साइन इनवर्स क्या लिखा है, वन बाई टू लिखा है, ठीक है। साइन इनवर्स क्या लिखा है, वन बाई टू, और इसकी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, क्या करना है, साइन इनवर्स वन बाई टू की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो आप साइन इनवर्स वन बाई टू को क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे, ठीक है ना। काफ़ी इजी लगेगा, देखिए अगर आपको, देखिए इस वाले एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, वैल्यूज ही तो फाइंड करनी है, रूट थ्री अपॉइंट टू कोसेक ये है ना, यही तो वैल्यूज ही तो फाइंड करनी है। तो इस वैल्यूज़ को फाइंड करने का देखिए बहुत प्यार से समझाते हैं, आराम से समझिए। साइन इनवर्स वन बाई टू की कोई कहे वैल्यू फाइंड करो भाई, तो क्या करना है उसको, पहले आपको क्या करना है, साइन इनवर्स वन बाई टू को वाई मान लेना है, क्या मान लिया आपने, वाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस साइन इनवर्स को, जब इनवर्स दूसरी साइड जाता है, जब इनवर्स दूसरी साइड जाता है तो इधर क्या हो जाता है, वाई का, देखिए ये साइन गया इधर, इधर चला गया ना, और वाई तो था ही, तो ये साइन वाई बन जाता है, समझ रहे हैं ना। इनवर्स इस साइड चला गया तो ये साइन हो गया, और वाई इसका एंगल बन जाएगा, और ये कितना आ गया, वन बाई टू आ गया, क्या आ गया, वन बाई टू। अगर इतना कर लिया तो समझिए ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज अभी ख़त्म हो जाती है, कंसेप्ट तो समझे या नहीं। साइन इनवर्स वन बाई टू एग्जाम्पल के तौर पे लिया है मैंने, अगर इसको मैंने y माना तो इनवर्स वाले को खाली इतना इधर ले जाइए, जिससे साइन इनवर्स इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन y, इधर क्या रह जाएगा, सिर्फ यही तो रह जाएगा, सिर्फ इनवर्स भेजा है इधर, इनवर्स जा सकते हैं इधर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये साइन y बराबर वन बाई टू, क्या हो जाएगा, साइन y बराबर वन बाई टू, है ना। अब आपको क्या करना है, सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ चेक करना है अपनी वैल्यूज़ में कि साइन वाई बराबर वन बाई टू, मतलब कौन सा ऐसा वाई है, मतलब वन बाई टू वैल्यू साइन की कहाँ आ रही है, साइन की वैल्यू, देखिए साइन की वैल्यू इस पूरे में सिर्फ यहीं वन बाई टू आ रही है, बस यही पांच वैल्यू यूज़ करेंगे पूरी इन्वर्स में, सिर्फ यही जगह है ना जहाँ पर साइन की वैल्यू वन बाई टू आ रही है, हाँ या ना बताइए, सिर्फ यही जगह है पूरे साइन में जहाँ साइन की वैल्यू क्या आ रही है, वन बाई टू, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि साइन 30 डिग्री 1 बाई टू होता है, ठीक है ना। तो 1 बाई टू की वैल्यू आप यहाँ से देखिए, जी बगल वाला जो मैंने आपको लिखाया था, सबसे पहले क्या चेक कर लिया हमने कि भाई साइन की वैल्यू 1 बाई टू कहाँ है, पता चल गया 30 डिग्री पे है ना। तो यहाँ हम चेक करेंगे, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि पाई बाई सिक्स पर, किस पर, पाई बाई सिक्स पर ये क्या वैल्यू होती है इसकी, 1 बाई टू, पाई बाई सिक्स पर क्या वैल्यू होती है, 1 बाई टू। इसका मतलब आप वहाँ से अगर कंपेयर करें, बस देखिए वहाँ यही तो लिखा है कि 1 बाई टू किसकी वैल्यू होती है, साइन पाई बाई सिक्स की, देखिए साफ साफ लिखा है साइन पाई बाई सिक्स की वैल्यू कितना है, 1 बाई टू। तो यहाँ से बस आपको कंपेयर करना है, देखिए 1 बाई टू आमने सामने, साइन साइन है, तो ये वाई क्या हो जाएगा, आप खुद बताइए,
क्या हो जाएगा, पाई बाई सिक्स, समझ गए ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल यहाँ से y कितना आ जाएगा, पाई अपॉन सिक्स। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको, सीधा पाई क्या आ गया, y क्या आ गया, पाई बाई सिक्स। तो यहाँ एक वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, पाई बाई सिक्स, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना दोस्तों, एग्जांपल समझ आया या नहीं। साइन इनवर्स 1/2 था जिसको हमने माना था y, फिर इनवर्स वाला हमेशा इधर ले जाते हैं, ठीक है। तो इधर साइन y बन गया, इधर 1/2 बन गया। फिर क्या किया हमने, ये चेक करा कि ये वाली वैल्यू चेक करते हैं हम कि 1/2 हमारी वैल्यूज़ में 1/2 साइन में कहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर आ रही थी ना 1/2, कहाँ पर, साइन पाई बाई सिक्स में, है ना। तो कंपेयर कर देते हैं कि 1/2 बराबर क्या हो जाता है, साइन पाई बाई सिक्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया कि भाई 1/2 की वैल्यू कितनी है, साइन पाई बाई सिक्स। इसका मतलब ये दोनों सेम है, ये सेम है, तो वाई क्या होना चाहिए, पाई बाई सिक्स ही होना चाहिए। समझ आ गई ना बात, तो वाई क्या हो जाएगा, पाई बाई सिक्स हो जाएगा, ओके। तो इससे आपकी वैल्यू निकल जाएगी। देखिए अगर आप साइन समझ गए तो सेम टू सेम कॉज इनवर्स एक्स बराबर वाई अगर दे रखा हो, अगर आपको कॉज इनवर्स एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है कभी, किसकी, कॉज इनवर्स जैसे √3/2 की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो ये एक्स क्या है आपका √3/2, ठीक है। तो क्या करना है इसको, सेम टू सेम ऐसे ही वाई के बराबर मानना है, क्या करना है, वाई के बराबर मानना है, और कॉज इनवर्स एक्स, कॉज इनवर्स को, सिर्फ कॉज इनवर्स को इधर ले जाना है। इधर क्या बचेगा x, इधर क्या हो जाएगा cos y, इधर क्या बचा x, इधर क्या आ जाएगा cos y, समझ गए ना। फिर चेक करना है कि ये वैल्यू जो x है वो कहीं पर क्या आ रही है, पीछे कौन सी वैल्यू आ रही है, ठीक है। जैसे cos इनवर्स √3/2 है ना, बराबर इसकी वैल्यू चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको y मान लेंगे, है ना। क्या करा हमने, y वाला पहला स्टेप कम्प्लीट, फिर कॉज इनवर्स को आप इधर ले जाएंगे, तो इधर क्या बचेगा, √3/2 बचेगा, क्या बचेगा, √3/2, इधर क्या आ जाएगा आपका, कॉस वाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस वाई, समझ रहे हैं ना। अब आपको क्या चेक करना है, अपनी वैल्यूज़ में चेक करनी है फटाफट कि कॉस वाई, कॉस कॉस ये होता है ना कॉस, ये कहाँ पर √3/2 आ रहा है, तो सिर्फ एक जगह है, कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो आप ये वाला यूज़ करेंगे, थर्ड डिग्री वाला नहीं यूज़ करेंगे, रेडियन वाला यूज़ करेंगे। √3/2 कहाँ आ रही है, कॉस पाई बाई सिक्स पर, तो बिल्कुल ऐसा का ऐसा लिख लीजिए आप कि कॉस पाई बाई सिक्स क्या होता है, √3/2, है ना। अब देखिए ये कॉस है और ये क्या, √3/2, ये भी कॉस है, ये क्या, √3/2। तो सेम यहाँ से अगर चेक करें, कंपेयर करें, तो वाई की जगह पर क्या है, पाई बाई सिक्स है ना, वाई की जगह क्या है, पाई बाई सिक्स। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल पाई अपॉन सिक्स आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, पाई अपॉन सिक्स आ गई। समझ गए ना दोस्तों, काफ़ी ईजी है ना। देखिए सेम टू सेम टेन इनवर्स एक्स में होता है कि टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो गया, वाई। तो यहाँ पर एक्स क्या हो जाएगा, टेन वाई, इनवर्स इधर जाएगा तो एक्स क्या हो जाएगा, टेन वाई हो जाएगा, ओके। तो इनवर्स का सिर्फ इतना सा कंसेप्ट है आपका कि इनवर्स वाला इधर ले जाइए, ठीक है। तो जिससे साइन वाई हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, फिर एक्स को वैल्यू को चेक करिए अपने पीछे और बराबर करके कंपेयर करके वाई की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, ओके। अभी भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आराम से समझा दूंगा दोबारा कुछ नई वीडियो डाल के इसके ऊपर, ठीक है ना। पर फिर भी ट्राई करिए, आपको समझ आ जाए, ओके। देखिए दोस्तों अब पढ़ेंगे हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ऑफ इनवर्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ऑफ इनवर्स। देखिए जो आपने पढ़ा था वो तो अच्छा था ही, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, है ना। ये बहुत ईजी होगा, समझिए ज़रा। देखिए साइन और साइन का भाई क्या होता है, कोसेक। साइन और साइन का भाई क्या होता है, कोसेक। क्यों भाई कहते हैं, क्योंकि साइन एक्स बराबर 1/cosec x होता है ना, ये आइडेंटिटी है ना, ये होती है ना ये फॉर्मूला कि साइन एक्स बराबर क्या होता है, 1/cosec x, ठीक है। तो साइन और इसका भाई कोसेक एक्स, ठीक है, और टेन एक्स, ये तीनों एक कैटेगरी में आते हैं, कैटेगरी वन कर देते हैं इसे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, जल्दी से लिख लीजिए इसे साथ साथ, इसे एक कैटेगरी में डालेंगे। और कॉस, कॉस का भाई सेक एक्स, और कॉटेक्स, इन दोनों को आप कैटेगरी सेकंड में डालेंगे, ठीक है। अब क्यों डाल रहे हैं ज़रा समझिए। देखिए अब सीधे क्वेश्चन पे आने वाले हैं हम आपके, ख़त्म होने वाला है कंसेप्ट, ताकि आप ये क्वेश्चन खुद से कर लें जल्दी जल्दी, इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ देखिए साइन इनवर्स में 1/2 पूछा है ना, लेकिन किसका, निगेटिव का, किसका, निगेटिव का। तो यहाँ आपको मैं निगेटिव वाली चीज़ें सिखा रहा हूँ कि अगर अंदर निगेटिव होगा तो हमें क्या करना होता है। देखिए अगर दोस्तों अंदर निगेटिव है साइन इनवर्स में, मतलब साइन इनवर्स माइनस एक्स है, तो ये माइनस आपका सीधे बाहर आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, बाहर। तो ये बाहर आ गया ना, और ये रह जाएगा साइन इनवर्स एक्स, समझ गए।
टेन इनवर्स के अंदर अगर माइनस एक्स है, टेन इनवर्स के अंदर अगर निगेटिव है, तो ये भी निगेटिव क्या हो जाएगा, भार, और क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, है ना। और समझिए, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स के अंदर अगर माइनस अंदर है, तो ये भी कहाँ आ जाता है, भार, कोसेक इनवर्स एक्स। तो इसलिए इसे हम कहते हैं कैटेगरी वन। कैटेगरी वन वालों के माइनस के जो माइनस है अंदर, वो सारे भार आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, भार, है ना। ठीक है, तो अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूँ बहुत छोटा सा, तो देखिए एग्जांपल देने का मतलब, मान लीजिए हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन इनवर्स माइनस वन अपॉइंट टू, किसकी, साइन इनवर्स माइनस वन अपॉइंट टू। ठीक है, तो आप देखिए निगेटिव आया, इसका मतलब हमें ये फॉर्मूले यूज़ करने हैं। अब ये देखिए साइन कैटेगरी वन का, ये आपको याद रखना है कि साइन टेन कोसेक एक कैटेगरी के हैं। तो ये निगेटिव को आप क्या कर देंगे, इसको सीधा क्या कर देंगे, भार कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर आ गया माइनस, और माइनस साइन इनवर्स वन अपॉइंट टू आ गया, क्या आ गया, माइनस साइन इनवर्स वन अपॉइंट टू, समझ रहे हैं ना। ठीक है, अब इस माइनस को यहीं रहने दीजिए और साइन इनवर्स वन बाई टू की आप वैल्यू फाइंड कर लीजिए, कैसे, ऐसे जैसे अभी सिखाया था, है ना, तो ये सिखाया था ना। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्ट करूँ तो पाई बाई सिक्स हो जाएगी, ठीक है, लेकिन फिर से दोबारा से मैं समझा देता हूँ। अब साइन इनवर्स वन बाई टू की वैल्यू भी फाइंड करना आपका क्या है, मेन काम है। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल, साइन इनवर्स वन बाई टू को आप क्या लेंगे, वाई मानेंगे, इनवर्स को इधर पहुंचाएंगे, तो इधर क्या आ गया, वन बाई टू बराबर साइन वाई, है ना। अब आप चेक करेंगे पीछे, तो मुझे तो याद है, मैं लिख देता हूँ कि वन बाई टू साइन पाई बाई सिक्स पर होती है, ठीक है ना, चेक कर लीजिए आप कि वन बाई टू साइन पाई बाई सिक्स पर होती है ना। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों को देखिए कंपेयर करिए, वन बाई टू साइन साइन, तो y क्या हो जाएगा आपका, पाई बाई सिक्स, क्या हो जाएगा, y पाई बाई सिक्स। तो इसका मतलब y कितना आया, पाई बाई सिक्स, मतलब साइन इनवर्स वन बाई टू कितना आया, पाई बाई सिक्स, है ना। तो आंसर क्या आएगा आपका, ये वाला इधर आंसर आएगा आपका, तो माइनस, और इसकी वैल्यू क्या है, पाई बाई सिक्स, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस पाई बाई सिक्स। समझे दोस्तों या नहीं, माइनस बाहर करने के बाद इसकी वैल्यू निकालते हैं जैसे पहले निकाली थी, और जो भी वैल्यू होती है माइनस से इनटू करेंगे डायरेक्ट, क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई सिक्स। ओके, आई होप ये एग्जांपल समझ में आया हो, नहीं समझ में आया हो तो रिवाइंड करिए, करिए, मालूम है क्यों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो आपका वन है ना, देखिए ये मैंने क्वेश्चन नंबर वन ही उठाया था, साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू, ठीक है ना, ताकि आपका आंसर निकल जाए इससे, तो माइनस पाई बाई सिक्स आ गया ना, तो चेक कर लीजिएगा आंसर आपका यही आ रहा होगा, माइनस पाई अपॉन सिक्स। ओके, तो मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, साइन टेन कोसेक में होगा नेगेटिव, तो नेगेटिव बाहर आ जाते हैं और ये वैल्यू हो जाती हैं, लेकिन कॉस सेक में होगा तब आपको क्या करना है, बस ये आपको याद रखना है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, बस ये आपको याद रखना है, कैसे, कॉस इनवर्स में अगर नेगेटिव होगा तो आप यहाँ रखेंगे पाई, ये फॉर्मूला होता है, क्या करेंगे आप, पाई और माइनस कॉस इनवर्स एक्स, क्या करेंगे, पाई में से कॉस इनवर्स एक्स क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, इससे डरना नहीं है, पाई पाई में से क्या कर देंगे, कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो आपकी कॉस इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू निकल आएगी, समझ रहे हैं ना, इसको लिखिए, ये भी समझाऊंगा मैं बहुत प्यार से और समझा दूंगा इसे, सेक इनवर्स माइनस एक्स में, सेक इनवर्स माइनस एक्स में भी क्या करना है, पाई, ऐसे ही पाई, और माइनस क्या करना है, सेक इनवर्स एक्स, देखिए इधर चेंज हो, चेंज क्या हो रहा है, अगर दोनों में चेंज देखेंगे तो ये वाला माइनस यहाँ पर अब नहीं रहा, जैसे यहाँ का माइनस हटाते थे ना अंदर का, बाहर आ जाता था सीधा, लेकिन यहाँ का जो माइनस है दोस्तों वो क्या है, वो अब यहाँ से गायब हो गया ना, समझ रहे हैं ना, कैसे गायब हो गया, ये पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, हमें क्या करना है, मेन हमारा काम इसमें है छहों में, हमें अंदर का माइनस हटाना है कैसे भी, ठीक है, तो इन वालों में माइनस सामने बाहर आ जाते हैं, लेकिन इस इन वालों में तीनों में कैटेगरी टू में क्या करते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, मतलब पाई माइनस, ये माइनस हटा दीजिए आप, और क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स में भी क्या होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है, इधर से भी हट गया एक माइनस, ऐसे कॉट इनवर्स में भी क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स माइनस एक्स में, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये अभी लिख लीजिए, ठीक है, अब आपको ये समझ में आएंगे एक एग्जांपल के द्वारा। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि क्वेश्चन आपका दे रखा है कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू, क्या दे रखा है, कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू, ठीक है ना। अब कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू की आपकी वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो पहले आप इसको
जैसे ही चेक करेंगे कि भैया ये क्या आया इसमें, तो माइनस आ गया, क्या आ गया इसमें, तो माइनस आ गया, मतलब मुझे ये वाले फॉर्मूले पता होने चाहिए ना। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स कैटेगरी किस में, वन में टू में, किस में वन या टू में, टू में है। तो हम क्या यूज़ करेंगे इधर देखिए, कैसे हम यूज़ करेंगे पाई, क्या यूज़ करेंगे पाई, फिर लगाएंगे माइनस ऐसे, फिर लिखेंगे हम कॉस इनवर्स, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स, और एक्स क्या है आपका, एक्स ये है ना सिर्फ ये। तो अब यहाँ से क्या है देखिए, यहाँ से माइनस था, यहाँ हट गया ऐसे, यहाँ माइनस था माइनस वन बाई टू, पर यहाँ क्या हो जाएगा, हट जाएगा। दोस्तों समझ आ गई बात या नहीं, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, आराम से समझ आ जाती हैं चीज़ें। तो कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू क्या हो जाएगा आपका, पाई माइनस कॉस इनवर्स वन बाई टू, ठीक है ना। कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स वन बाई टू। ओके, अब देखिए पाई तो पाई है, अब माइनस कॉस इनवर्स वन बाई टू को निकालने के लिए आप साइड में काम करेंगे, कैसे, इधर निकाल देता हूँ मैं। कॉस इनवर्स वन बाई टू को कैसे निकालूंगा मैं, पहले इसको क्या मानूंगा, वाई मानूंगा, देन मुझे पता है इसको इधर ले जाते हैं ना, देखिए ये चीज़ समझाई थी ना सर, कॉस इनवर्स एक्स बराबर वाई, तो इधर ले जाएंगे तो कॉस वाई बराबर एक्स हो जाएगा ना, इधर ले जाएंगे तो कॉस वाई बराबर एक्स, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये वन बाई टू जेरा इधर रह गया, और इधर क्या आ जाएगा आपका, कॉस वाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस वाई आ जाएगा, समझ गए ना, ठीक है। तो अब ज़रा देखिए क्या करना है, चेक करना है आपको पिछले में कि कॉस की वैल्यू वन बाई टू कहाँ आती है, चलिए देखते हैं कॉस की वैल्यू इस पूरे में वन बाई टू कहाँ आती है, दिख रही है कहीं पर, देखिए ये रही, इसी में तो है, लेकिन हमें कौन सा यूज़ करना है, ये वाला कॉस पाई बाई थ्री कितना होता है, वन बाई टू, यहीं तो आ रही है बस वन बाई टू कॉस में, तो ठीक है। तो कॉस पाई बाई थ्री कितना होता है, वन बाई टू, ट्वेल्थ में आपको हाल समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे किससे कि वन बाई टू बराबर क्या होता है, कॉस पाई अपॉन थ्री होता है। तो अब इसको और इसको कंपेयर करेंगे, देखिए वन बाई टू ये रहा, वन बाई टू ये रहा, कॉस ये रहा, कॉस ये रहा, तो वाई क्या हो जाएगा आपका, वाई क्या हो जाएगा आपका, पाई अपॉन थ्री। तो वाई की वैल्यू निकालना आई ना, मतलब वाई कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका पाई अपॉन थ्री, ठीक है। इसका मतलब कॉस इनवर्स वन बाई टू की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, पाई अपॉन थ्री, समझ गए दोस्तों या नहीं, ठीक है ना। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, सिंपल सिंपल है, अभी और प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल ख़त्म, एक बार में ऐसा समझ में आएगा कि ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। तो कॉस इनवर्स वन बाई टू की वैल्यू वाई थी, और वाई की वैल्यू हमने निकाल ली पाई बाई थ्री, ठीक है। तो इसकी जगह कॉस इनवर्स वन बाई टू की जगह हम क्या रखेंगे, आप पाई अपॉन थ्री रख देंगे, क्या रख देंगे, पाई अपॉन थ्री, ठीक है। अब एलसीएम ले लीजिए, तो देखिए इधर वन ही तो है नहीं थे, तो इधर जाएगा कितना हो जाएगा, ये थ्री पाई माइनस पाई अपॉन थ्री, ओके। अब थ्री पाई में से पाई जाएगा तो कितना बचेगा, ये टू पाई अपॉन थ्री, कितना आ जाएगा, टू पाई अपॉन थ्री, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। समझ आ गई बात या नहीं, पाई माइनस पाई अपॉन थ्री, ठीक है, और ये थ्री ऊपर गया, थ्री पाई माइनस पाई अपॉन थ्री, पाई माइनस पाई अपॉन थ्री, आंसर क्या हो जाएगा, टू पाई। कैसे किया, कॉस इनवर्स माइनस एक्स वाला फॉर्मूला यूज़ करा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स किया, एक्स क्या आपका वन बाई टू, फिर इसकी वैल्यू निकाल ली यहाँ पर कंपेयर करके, और वैल्यू पुट कर दी, पाई में से माइनस कर दी, आंसर निकाल लिया, ठीक है। आगे क्वेश्चन करेंगे ना तो मैं आपको ट्रिक समझा दूंगा, जिससे इतना सारा नहीं करना पड़ेगा, जल्दी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको ये सब आना ज़रूर चाहिए पहले से, ठीक है ना। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बता रहे हैं, ठीक है, तो फिफ्थ और वन दोनों हो गए ना आपके, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज एक एक करके, वो भी बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अब एक एक करके सारे क्वेश्चन करते हैं, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, यही कंसेप्ट आपको यूज़ करना है जो अब तक बताया, सिर्फ छः ये वाले, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले, और ये वाले कंसेप्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ओके। अब बिल्कुल आराम से क्वेश्चन करते हैं एक एक करके, जल्दी जल्दी कर लेंगे क्योंकि अब आपको आराम से समझ आ जाएंगे। चलिए पहला लिखिए क्या है, साइन इनवर्स, और अंदर क्या है, माइनस हाफ है ना, तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं इसे, देखिए कर चुके हैं फिर भी दोबारा करते हैं अभी से, क्या है पहला, साइन इनवर्स माइनस हाफ की वैल्यू चाहिए ना, देखिए सबसे पहले आपको ऐसा लिखना है, इक्वल्स टू क्या करना है, वाई, ठीक है, तो वाई तो आंसर होगा ना आपका, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या करना है आपको, ये इनवर्स इधर लेके जाना है, ठीक है, इधर लेके जाना है ना, लेकिन हम ये इनवर्स अभी इधर लेके नहीं जाएंगे, रीज़न क्या है उसका दोस्तों, मालूम है ना, ये इनवर्स इधर क्यों नहीं लेके जा रहे हैं, मैंने इसलिए रोका है आपको, ताकि आप हमेशा इस चीज़ को याद रखें, अगर ये निगेटिव है अंदर, तो इस इनवर्स को पहले अंदर लेके इधर लेके नहीं जाना है, अगर अंदर निगेटिव है तो पहले ये काम नहीं करना है, उससे पहले क्या करना है आपको, ये चेक करना है, अगर ये निगेटिव है तो आपको ये वाला फॉर्मूला देखना है, कौन सा वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला, कि साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स है ना, तो आप यहाँ क्या कन्वर्ट कर लेंगे,
कि इस माइनस को क्या कर लेंगे, बाहर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा वाई। क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा वाई। समझ गए ना? ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे मुझे साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन इनवर्स 1/2 की। ओके, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप देखिए साइड में लिख लेते हैं, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू चाहिए ना मुझे, देखिए ऐसा करने के बाद बिल्कुल ऐसा करना है। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए मान लेते हैं यहाँ पर हम कुछ भी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम x मान लेते हैं, इधर क्या मान लेते हैं x, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये पॉजिटिव है ना, ये काम हमने सिर्फ इसलिए करा ताकि इसको पॉजिटिव कर दें अंदर। अब साइन इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, 1/2, इधर क्या आ जाएगा आपका साइन x हो जाएगा, है ना। फिर आपको क्या करना है, सिंपली कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है, अपनी वैल्यूज से। किससे कंपेयर करना है आपको, अपनी वैल्यूज से। कहाँ गई आपकी वैल्यूज़, देखिए ये है ना, देखिए हाफ किस पे है, साइन पाई बाई सिक्स पे है ना, हाफ किस पे है, साइन पाई बाई सिक्स पे, ठीक है। तो आपको इधर क्या करना है कि हमें पता है कि हाफ बराबर किसकी वैल्यू होती है, साइन पाई बाई सिक्स, तो यहाँ से एक्स कितना हो गया आपका, पाई बाई सिक्स हो गया, ठीक है ना। तो एक्स अगर पाई बाई सिक्स आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई सिक्स आ गई, बहुत ईजी है ना। तो यहाँ पर आप इसकी जगह लिख दीजिए कि माइनस इसकी वैल्यू कितनी आई डब्बे की, साइन इनवर्स हाफ की कितनी आई, पाई बाई सिक्स आ गई। तो वाई कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका माइनस पाई बाई सिक्स, समझ गए ना। तो साइन इनवर्स माइनस हाफ की वैल्यू तो थी वाई, तो वाई कितना आ गया, माइनस पाई बाई सिक्स। ऐसा कब करना है, ये वाला काम कब नहीं करना है, जब आपका अंदर माइनस हो, ठीक है ना। पहले आप ये माइनस बाहर करेंगे, उसके बाद इस साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे आराम से। ओके, देखिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका, देखिए जल्दी से, कॉस इनवर्स रूट 3/2, ठीक है, क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएंगे अब आपके। सेकंड क्या है आपका, कॉस इनवर्स रूट 3/2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, तो बराबर क्या मानेंगे कि ये क्या है, वाई है ना, चेक करिए क्या नेगेटिव है अंदर, नहीं है, तो इसे आप ले जाइए आराम से। तो इधर क्या आ जाएगा, रूट 3/2 रह जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, कॉस वाई आ जाएगा, है ना। अब कंपेयर कर दीजिए इसको, ठीक है, कंपेयर किससे करना है, पीछे जो आपके पास वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो जल्दी, आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप चेक करिए, रूट 3/2 कहाँ पर है, देखिए रूट 3/2 कहाँ पर है, कॉस पाई बाई सिक्स पर है ना, रूट 3/2 कहाँ पर है, कॉस पाई बाई सिक्स पर। तो यहाँ हम लिख देंगे कि रूट 3/2 क्या होता है, कॉस पाई बाई सिक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो वाई कितना आ जाएगा आपका, वाई आ जाएगा आपका पाई बाई सिक्स, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, पाई बाई सिक्स, ये क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, अभी हाल जल्दी जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका कोसेक इनवर्स 2, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको, कोसेक इनवर्स 2 को क्या करना है, वाई मानना है ना। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इस इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 बराबर कोसेक वाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 बराबर कोसेक वाई। ओके, अब आपको एक रिलेशन समझाया था बहुत अच्छा वाला, क्या समझाया था, एक रिलेशन समझाया था ना बहुत प्यारा सा, देखिए ये रहा रिलेशन कि कोसेक की कभी भी आएगी तो हम साइन का यूज़ करेंगे, इसका साइन का। तो मैं क्या कोसेक एक्स की जगह 1/sin x लिख सकता हूँ ना, ठीक है। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर कोसेक वाई की जगह पर, इस कोसेक वाई की जगह पर 1/sin y लिख सकता हूँ ना, हाँ या ना, सिंपल है ना। कोसेक वाई की जगह क्या लिख दिया, 1/sin y लिख दिया, ठीक है। और इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, साइन वाई बराबर कितना आ जाएगा, ये 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे, तो 1/2 आ गया ना, सिंपल है ना। साइन वाई बराबर कितना आ गया, 1/2, ठीक है। अब कंपेयर कर देते हैं, नेगेटिव नहीं था ना इधर, तो हमने सिंपल कराया, साइन वाई क्या है, 1/2। अब हमको पता है कि, आपको नहीं पता तो आप पीछे चेक करिए कि साइन 1/2 कब होता है, साइन पाई बाई सिक्स पे 1/2 होता है, ठीक है। देखिए दिखा देता हूँ एक बार और, ये रहा साइन पाई बाई सिक्स पे क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, साइन साइन, तो वाई की जगह क्या हो जाएगा आपका, पाई बाई सिक्स है ना, तो वाई कितना आ गया आपका, पाई बाई सिक्स है ना, और हमें वाई तो चाहिए था अल्टीमेटली, तो वाई आपका क्या आ गया, पाई बाई सिक्स। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, क्या आ जाएगा, पाई बाई सिक्स। अब तो ईजी लग रहे हैं ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इनवर्स इधर ले जाइए, कोसेक वाई बना, इधर 2 रह गया बस, इसको 1/sin y सबको पता है, साइन वाई ऊपर, ये इधर, ताकि हमें वैल्यू मिल जाए, इसलिए हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। साइन हमें याद है ना, या फिर पीछे लिखा है, ठीक है। तो साइन वाई बराबर 1/2, फिर इसे कंपेयर करेंगे, साइन पाई बाई सिक्स है, तो वाई क्या हो जाएगा आपका, सीधा पाई बाई सिक्स हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं फोर्थ वाला।
क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है आपका, टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री, कितना है टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ठीक है, चलिए इसे करते हैं। टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री को सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, वाई, है ना। अब देखिए सबसे पहले चेक करना होता है, माइनस है तो क्या मैं इधर ले जाऊँ, नहीं रुकिए रुकिए अभी नहीं ले जाएंगे। क्यों नहीं ले जाएंगे, क्योंकि हम माइनस वाला है, और माइनस वाले में हम क्या चेक करते हैं, इधर चेक करते हैं कौन सी कैटेगरी का है, वन का, मतलब टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस टेन इनवर्स एक्स। इसका मतलब ये माइनस आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस आपका क्या हो जाएगा, बाहर आएगा पहले, ठीक है ना, तब ये इधर जाएगा, तो पहले माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, रूट थ्री बराबर क्या हो जाएगा, वाई, है ना। अब आपका काम क्या है कि इस रूट टेन इनवर्स रूट थ्री की वैल्यू निकालेंगे, जैसे ऊपर वाला किया था फर्स्ट वाला, वैसा वाला है ये, ठीक है। तो टेन इनवर्स रूट थ्री की आप कैसे निकालेंगे, इधर निकालिए कि टेन इनवर्स रूट थ्री को आप क्या मान लीजिए, सिंपल एक्स मान लीजिए, है ना। अब आप इसको इधर ले जा सकते हैं ना, देखिए कोई ज़्यादा टफ नहीं है ये, ठीक है। पहले आपको माइनस इधर करना है, फिर टेन इनवर्स रूट थ्री की वैल्यू आपको निकाल लेनी है सिंपल। तो टेन इनवर्स रूट थ्री क्या हो जाएगा, एक्स, ये इधर ले जाएंगे तो इधर क्या आएगा, रूट थ्री बराबर टेन एक्स, रूट थ्री बराबर क्या आ गया, टेन एक्स। तो आप एक्स निकाल सकते हैं ना, देखिए चेक करना है कि रूट थ्री कहाँ आता है, देखिए यही तो है रूट थ्री, तो टेन पाई बाई थ्री क्या हो जाता है आपका, टेन पाई बाई थ्री क्या हो जाता है, रूट थ्री। प्रैक्टिस करते करते आपके समझ में आ ही जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि रूट थ्री की हमें वैल्यू पता है, टेन पाई बाई थ्री होती है भाई, कितनी होती है, टेन पाई बाई थ्री, मतलब ये देखिए सेम, ये सेम, तो एक्स कितना हो जाएगा, एक्स कितना हो जाएगा, रूट थ्री, है ना। और एक्स किसकी वैल्यू है, टेन इनवर्स रूट थ्री की, एक्स किसकी वैल्यू है, टेन इनवर्स रूट थ्री की। तो टेन इनवर्स रूट थ्री की जगह पर मैं क्या लिख दूँ, पाई अपॉन थ्री लिख सकता हूँ ना, हाँ या ना, इसी की तो वैल्यू निकाली है हमने, टेन इनवर्स रूट थ्री की तो निकाली है, जो एक्स था पाई अपॉन थ्री, ठीक है। तो ये वाई कितना आ गया आपका, माइनस पाई अपॉन थ्री आ गया, समझ गए ना। तो चेक कर लीजिए आंसर कि सही है या गलत है, ओके। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला ऑलरेडी कर चुके हैं लेकिन हम दोबारा करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। फिफ्थ क्या है आपका, कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू, ओके। सिमिलर स्टेप, सेम स्टेप करने हैं हमेशा, देखिए ये कॉस इनवर्स माइनस वन अपॉइंट टू, ठीक है। अब इसे क्या मानते हैं हम, सबसे पहले वाई, क्या इसे इधर लेके जाएंगे, नहीं, रीज़न माइनस अंदर है ना, तो पहले हम इसे चेक करेंगे माइनस वाले फॉर्मूलों में, है ना। तो देखिए ये कैटेगरी वन का है या टू का है, टू का है, कॉस है ना, तो कैटेगरी टू का है। तो इसका मतलब देखिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स होगा, तो इसको आप क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, लिखाना सिखाता हूँ मैं, देखिए क्या करेंगे आप, एक्स आपका यही तो है, ये वाला, ये एक्स है ना पूरा अभी, तो ये आएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स, और जो भी आपका ये है इधर वैल्यू है वो इधर आ जाएगी, पाई माइनस कॉस इनवर्स, और जो भी वैल्यू है वो इधर आ जाएगी, बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, वाई वाई हो जाएगा। अब आपका मेन काम है कि बस आप कॉस इनवर्स वन बाई टू की वैल्यू फाइंड कर लें, तो इधर करिएगा कि कॉस इनवर्स वन बाई टू को आप क्या मान लेंगे, एक्स, ये इधर चला जाएगा, अब तो कुछ नहीं है ना नेगेटिव वगैरह, तो इधर जाइए, तो वन बाई टू बराबर क्या आ गया आपका, कॉस एक्स, है ना। अब चेक करिए कि वन बाई टू कॉस एक्स पे कहाँ पे होता है, तो जल्दी से देखते हैं कि कॉस एक्स में वन बाई टू कहाँ पर है भाई, ये रहा कॉस पाई बाई थ्री कितना होता है, वन बाई टू, है ना। तो यहाँ से लिख लीजिए सेम टू सेम कि वन बाई टू बराबर क्या होता है आपका, कॉस पाई अपॉन थ्री होता है। तो ये देखिए ये एक्स कितना आ गया, पाई बाई थ्री आ गया ना, कितना आ गया पाई बाई थ्री, मतलब ये कॉस इनवर्स वन बाई टू की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, पाई बाई थ्री, इसी की तो वैल्यू चाहिए थी हमें, सही हो जाएगा ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई थ्री, तो यहाँ पुट कर दीजिए, पाई माइनस इधर पाई अपॉन थ्री बराबर क्या हो जाएगा वाई, एलसीएम लेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, इधर नीचे बने ना, थ्री पाई माइनस पाई अपॉन थ्री बराबर वाई, थ्री पाई में से पाई गए, टू पाई अपॉन थ्री बराबर क्या हो जाएगा वाई, तो वाई कितना आया, टू पाई अपॉन थ्री, इसका मतलब ये कितना आ गया आपका, टू पाई अपॉन थ्री, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, इसी की तो वैल्यू चाहिए थी हमें, इसी की तो वैल्यू वाई थी, तो वाई कितना आ गया आपका, टू पाई अपॉन थ्री, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स करते हैं जल्दी जल्दी से, क्या है, टेन इनवर्स माइनस वन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, वाई मानना है, फिर देखना है क्या इधर ले जा सकते हैं, नहीं, रीज़न क्या है, नेगेटिव है, रीज़न क्या है, नेगेटिव, कैटेगरी चेक करिए कौन सी कैटेगरी का है, टेन इनवर्स नेगेटिव है ना, तो पहले नेगेटिव वाला काम करेंगे, कैटेगरी देखेंगे, फर्स्ट वाली कैटेगरी का है, तो टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस टेन इनवर्स एक्स,
तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको माइनस को बाहर करेंगे इस वाले को, और क्या हो जाएगा टेन इनवर्स वन हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा वाई, है ना। अब काम क्या है, टेन इनवर्स वन की वैल्यू फाइंड करना, बस काम ख़त्म। टेन इनवर्स वन निकाल लेते हैं जल्दी से। टेन इनवर्स वन को आप क्या मान लेंगे, एक्स, इधर लेके जाएंगे तो वन बराबर क्या हो जाएगा टेन एक्स, है ना। अब चेक कर लेंगे कि वन कहाँ पर आता है टेन में, देखिए ये रहा टेन पाई बाई फोर पर क्या आ जाता है, वन आ जाता है ना, टेन पाई बाई फोर पर क्या आता है वन। तो यहाँ मैं ऐसे कंपेयर कर सकता हूँ ना कि वन बराबर क्या है टेन पाई बाई फोर भी है, तो ये वन वन, तो एक्स क्या हो जाएगा आपका पाई बाई फोर, तो एक्स कितना आ गया आपका पाई बाई फोर, मतलब टेन इनवर्स वन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी पाई बाई फोर आ गई। यहाँ पुट कर देंगे सिंपल इसकी जगह कि टेन इनवर्स वन की वैल्यू हमने निकाल ली है पाई बाई फोर, तो आंसर क्या आ गया माइनस पाई अपॉन फोर वाई की वैल्यू, तो ये वाई आपका आंसर आ गया माइनस पाई अपॉन फोर, क्या हो गया दोस्तों आपका आंसर हो गया। समझ गए ना, अब आप फास्ट फास्ट भी कर लेंगे इन क्वेश्चनों को। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन्थ देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ क्या है, sec इनवर्स टू अपॉन रूट थ्री। चलिए फटाफट से लिख लेते हैं इसे, ईजी है sec इनवर्स वाला, और मैं आपको अभी इंपॉर्टेंट वाला भी बता दूंगा, इसमें एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं काफ़ी। sec इनवर्स टू अपॉन रूट थ्री बराबर क्या करेंगे y, ओके चेक करिए नेगेटिव है नहीं है, तो आप इसको आराम से इधर लेके जा सकते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा टू अपॉन रूट थ्री बराबर क्या हो जाएगा टू अपॉन रूट थ्री बराबर क्या हो जाएगा sec y, है ना। अब sec वाले में आपको क्या करना होता है, cos की मदद लेनी होती है ना, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि sec y बराबर आपका वन अपॉन cos y होता है, जो रिलेशन लिखाए थे ना इंपॉर्टेंट वाले, वहाँ देखिए लिखा होगा sec y बराबर क्या होता है वन अपॉन cos y, है ना। तो इससे आपकी वैल्यू निकल आती है जल्दी, बराबर यहाँ लिख देंगे आप वन अपॉन cos y, इसको इधर, है ना, और इसको इधर ले जाएंगे तो cos y इधर आ जाएगा, देखिए cos y तो इधर आ जाएगा, रूट थ्री कहाँ जाएगा इधर जाएगा रूट थ्री, समझ गए ना इतना। ये टू का जाएगा, ये टू भी नीचे आएगा इधर आ जाएगा इधर, तो ऐसे ही तो आएगा टू नीचे आया रूट थ्री इधर, ठीक है। अब चेक करेंगे आप कि कॉस वाई में, कॉस में रूट थ्री बाई टू कहाँ आता है, तो देखिए निकाल लेते हैं फटाफट से कि कॉस में रूट थ्री अपॉइंट टू कहाँ आता है फाइव बाई सिक्स में, कॉस फाइव बाई सिक्स क्या होता है रूट थ्री अपॉइंट टू। तो सिंपल क्या कर देते हैं, इधर पुट कर देते हैं, कंपेयर करते हैं सिंपली, कंपेयर क्या करेंगे कि कॉस पाई बटे सिक्स बराबर क्या होता है रूट थ्री अपॉइंट टू, ठीक है। तो कंपेयर करने पे ये कॉस, ये रूट थ्री अपॉइंट टू, तो वाई क्या है आपका सीधा पाई बाई सिक्स हो जाएगा ना, तो वाई कितना आ गया आपका पाई अपॉइंट सिक्स आ गया, है ना। तो ये वाई तो था आपका जो निकालना था आपको, ये कितना आ गया पाई अपॉइंट सिक्स। सिर्फ sec इनवर्स वालों में, cosec इनवर्स वालों में हम ये ट्रिक यूज़ करते हैं कि वन अपॉन करते हैं, ठीक है, बाकी में तो सिंपल सिंपल करना होता है ना। तो आई होप ये समझ में आ गया हो, इसको आप इंपॉर्टेंट भी लिख लीजिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है sec वाला। चलिए अब क्वेश्चन नंबर एट्थ उतारिए फटाफट से, एट्थ क्या है आपका देखिए जरा, एट्थ क्या है cot इनवर्स रूट थ्री, रूट थ्री सिर्फ कितना है cot इनवर्स रूट थ्री, तो एट्थ क्या है आपका cot इनवर्स रूट थ्री बराबर क्या लेंगे आप y, ओके इसी की तो निकालनी है, नेगेटिव है नहीं, तो चुप सिंपली इसको ले जाइए इधर, तो रूट थ्री बराबर क्या आ जाएगा आपका cot y हो जाएगा, है ना। अब इसको क्या करना है, cot sec cosec वालों में हमें चेंज करना होता है, तो अब यहाँ लिखेंगे क्या भाई कि cot y बराबर हमारा होता है वन अपॉन टेन वाई, हम टेन वाई की मदद से निकालते हैं वैल्यू, है ना, तो रूट थ्री बराबर वन अपॉन टेन वाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इधर ले जाएंगे, रूट थ्री को इधर ले जाएंगे, तो क्या आएगा टेन वाई बराबर वन अपॉन रूट थ्री हो जाएगा, है ना। अब कंपेयर करेंगे, ठीक है, कंपेयर किससे करेंगे, देखिए रूट वन अपॉन रूट थ्री कहाँ पर होता है इसका, जल्दी चेक करिए, टेन पाई बाई सिक्स पे क्या होता है वन अपॉन रूट थ्री होता है, दिख रहा है ना, टेन पाई बाई सिक्स पे ही तो है वन अपॉन रूट थ्री, तो यहाँ आप क्या कर देंगे टेन पाई बाई सिक्स बराबर हमको पता है रूट थ्री होता है, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे तो वाई देखिए वाई यही हो जाएगा ना पाई बाई सिक्स, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई आपकी पाई अपॉन सिक्स, है ना, और हमें वाई तो फाइंड करना था, तो वाई कितना आ गया आपका पाई अपॉन सिक्स, ये क्या हो गया दोस्तों आपका आंसर हो गया, समझ गए ना। देखिए नाइन्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, नाइन्थ वाला क्या है, नाइन्थ वाला है आपका कॉज इनवर्स माइनस वन बाई रूट टू, कॉज इनवर्स माइनस वन अपॉन रूट टू, ठीक है। अब इसको क्या करना है आपको, पहले वाई के बराबर करना है, किसके बराबर वाई के बराबर, ठीक है, इधर ले जाएंगे नहीं क्योंकि अंदर नेगेटिव है, क्या है अंदर नेगेटिव है, चेक करिए कैटेगरी कौन सी है, ठीक है। तो कॉस इनवर्स वाला नेगेटिव है ये, तो इसका मतलब ये कैटेगरी
टू में आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मुलों में, टू में। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, है ना। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे पाई, फिर करेंगे फॉर्मूले का माइनस, फिर लिखेंगे कॉस इनवर्स, फिर लिखा कॉस इनवर्स, और अंदर क्या आ जाएगा, जो भी यहाँ अंदर है, ये एक्स जैसा काम कर रहा है अभी, तो यहीं आ जाएगा ना, बराबर क्या हो जाएगा आपका वाई। ओके, अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस इनवर्स 1/√2 के आंसर के लिए। तो साइड में आप निकालेंगे कि कॉस इनवर्स 1/√2 का आप क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे तो 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे याद है, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ कि 1/√2 कॉस पाई अपॉन 4 हो जाता है। आपको नहीं याद है, चेक कर लीजिए कि कॉस एक्स की वैल्यू, देख लीजिए कैसे चेक करेंगे, पीछे जाएंगे और कॉस पाई बाई 4 कितना है, 1/√2 कॉस पाई बाई 4 कितना है, 1/√2, है ना। तो यहाँ से एक्स कितना आ गया आपका, कंपेयर करने पर पाई बाई 4 आया ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, पाई बाई 4, मतलब कॉस इनवर्स 1/√2 की वैल्यू कितनी आई, पाई बाई 4। तो इसकी जगह आप क्या यूज़ करेंगे, पाई बाई 4। तो इधर क्या आ जाएगा, पाई माइनस पाई अपॉन 4 बराबर क्या हो जाएगा वाई, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4π माइनस ये वाला पाई अपॉन 4 बराबर वाई, ठीक है। 4π में से पाई जाएंगे तो कितना बचेगा, 3π अपॉन क्या आएगा, 4। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3π अपॉन 4 आ जाएगा ना। तो यहाँ क्या लिख देंगे आप, 3π अपॉन 4 आंसर आ जाएगा। ओके, समझ गए ना, ठीक है। अब 9th हो गया, चलिए 10th वाला देखते हैं। 10th वाला क्या है आपका, कोसेक इनवर्स माइनस रूट टू बराबर क्या है, वाई है, क्या है, कोसेक इनवर्स माइनस रूट टू क्या है, पाई है, ठीक है। देखिए नेगेटिव है तो पहले क्या करना होता है, नेगेटिव को चेक करना होता है ना। तो कैटेगरी कौन सी है, ये वन वाली है, साइन कॉस टेन की कैटेगरी वन होती है। तो कोसेक इनवर्स माइनस एक्स होगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, सिंपल। ओके, तो क्या करना है, इस माइनस को क्या करना है, सिंपली बाहर करना है। तो माइनस कोसेक इनवर्स रूट टू बराबर क्या हो जाएगा आपका, वाई हो जाएगा, समझ गए ना, ठीक है। तो माइनस ही रहा, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कोसेक इनवर्स रूट टू की, जिसकी वैल्यू आप इधर साइड में निकाल लेंगे, कैसे, कोसेक इनवर्स रूट टू को आप क्या मानेंगे, एक्स मान लेंगे, एक दूसरा टर्म मान लेते हैं, ठीक है। अब निगेटिव हट चुका है तो इधर ले जाएंगे, तो रूट टू बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स हो जाएगा। आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, जो बच्चे होशियार हैं, कि जिसको कोसेक की वैल्यू याद है, क्या उसको भी ये ज़रूरत है 1/sin x वाली, नहीं उसको ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट x की वैल्यू यहाँ से रख सकता है, समझ गए ना। तो जिसको नहीं याद है सिर्फ उसके लिए है ये, ओके। अब जिसको नहीं याद होती वो साइन की मदद करता है, तो 1/sin x लिख देंगे इधर, है ना। x की तो वैल्यू फाइंड करनी है, इसे इधर ले जाएंगे, क्या है, sin x बराबर ये रूट टू नीचे आएगा तो 1/√2 आ जाएगा, है ना। अब इससे ये एक्स क्या आएगा आपका, एक्स। अब आप कंपेयर करिए तो साइन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, ठीक है। पीछे चेक कर लीजिए तो x कितना हो जाएगा आपका, पाई बाई 4, x कितना हो जाएगा, पाई बाई 4, ठीक है। तो ये बात मैं कह रहा था ना कि कुछ को याद होती है, तो अगर आपको याद है कि कोसेक इनवर्स रूट टू की वैल्यू पाई बाई 4 है डायरेक्ट, ठीक है, तो आप डायरेक्ट यूज़ करिए, ये सब नहीं लिखना होगा आपको। जिसको नहीं याद है वो प्रैक्टिस कर करके याद कर लेगा आज। तो x क्या हो जाएगा आपका, पाई बाई 4 हो जाएगा, सीधा क्या हो जाएगा, पाई बाई 4, समझ गए ना, ये कंपेयर करना वाली बात है ना। तो यहाँ कोसेक इनवर्स रूट टू की वैल्यू क्या आई, पाई बाई 4, तो यहाँ आएगा माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 4, तो y कितना आ गया आपका, माइनस पाई बाई 4, है ना। तो यहाँ y तो निकलना था, माइनस पाई बाई 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये 10 क्वेश्चन हो गए, चलिए अब कौन सा करते हैं, अब करते हैं हम 11th वाला, ठीक है। तो 11th क्या है आपका, 11th अच्छा है, देखिए 11, 12, 13, 14 ये चारों इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो प्लीज़ कर लीजिएगा एक बार। 11th क्या है, टेन इनवर्स 1 कॉस इनवर्स माइनस हाफ प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ, है ना। चलिए इसे जल्दी से लिख लेते हैं, क्या है 11th वाला, नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसे, क्योंकि आराम से समझाना होगा ये आपको। क्या है 11th वाला, लिखिए टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस हाफ प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ, ठीक है ना, इसकी वैल्यू होगी। ओके, अब देखिए आप टेन इनवर्स, पहले इसको अलग अलग ही तो वैल्यू निकालनी होगी, तो इसको आप मान लीजिए, क्या है ये आपको मान लीजिए, ये है आपका, ये आ जाएगा एक्स मान लेते हैं, इसे ये मान लेते हैं वाई, इसे मान लेते हैं जेड, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं टेन इनवर्स 1 की वैल्यू, ठीक है। तो एक्स फाइंड करते हैं पहले हम, तो टेन इनवर्स 1 क्या हो जाएगा आपका, मान लीजिए ये क्या है एक्स, है ना। अब आप इसको निगेटिव नहीं है तो इधर जा सकता है ना आराम से, इधर, तो ये क्या आ जाएगा 1 बराबर
टेन एक्स, ओके। अब पीछे से आप कंपेयर करेंगे तो 1 बराबर 10 पाई बाई 4 पे होता है, किस पे होता है, 10 पाई बाई 4 पे। ऑन कंपेयरिंग x कितना आ गया आपका पाई बाई 4, x कितना आ गया पाई अपॉन 4, तो हमने x निकाल लिया ना, समझ गए। ये पीछे चेक करना है आपको कि 10 पाई बाई 4 कितना होता है 1, तो x कितना आ गया दोस्तों पाई बाई 4 आ गया, ओके। अब सेकंड हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले cos इनवर्स माइनस हाफ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसको हमने क्या माना है y, ओके। तो cos इनवर्स माइनस हाफ कैसे निकालेंगे, इधर ले जाएंगे इसको, तो कितना आ जाएगा जी, ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे, याद आया नहीं, क्योंकि क्या है नेगेटिव है, ठीक है। तो इसमें पहले क्या करेंगे, हम पहले फाइंड करेंगे क्या कि ये कैसे निकलेगा, सेकंड कैटेगरी का है ना नेगेटिव वाला, कौन सा है सेकंड कैटेगरी, तो cos इनवर्स माइनस x होता है, तो क्या करते हैं पाई माइनस cos इनवर्स x, क्या करते हैं पाई माइनस cos इनवर्स x, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 बराबर क्या हो जाएगा y, ओके। अब आपका काम क्या है, cos इनवर्स x की, ये cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू फाइंड करना, तो इधर करिए cos इनवर्स 1/2 को क्या मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कोई u मान लेते हैं, क्या मान रहे हैं u, तो ये इधर चला जाएगा, कुछ भी मानिए u भी w कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इन सब में, है ना। ये इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा cos u हो जाएगा, ओके। अब 1/2 बराबर 1/2 बराबर cos किस पे होता है, ज़रा पीछे से चेक कर लीजिए जल्दी से, ये शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, 1/2 कहाँ पे होता है cos पाई बाई 3 पे, किस पे cos पाई बाई 3 पे, तो ये cos पाई बाई 3, तो u क्या हो जाएगा आपका पाई बाई 3, u क्या है पाई बाई 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आई आपकी पाई अपॉन 3 आ गई, कितनी आ गई पाई अपॉन 3, ठीक है। तो cos इनवर्स आपकी वैल्यू निकाल लेना आपने पाई अपॉन 3, तो ये कितना हो जाएगा पाई माइनस पाई अपॉन 3, समझ गए, बराबर क्या हो जाएगा y, इसे इधर ले जाएंगे तो ये कितना आएगा 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3 बराबर y, ठीक है। तो y कितना आ गया इसमें से, 3 पाई में से पाई गए तो 2 पाई अपॉन 3 आ गया, y कितना आ गया 2 पाई अपॉन 3, समझ गए ना, ओके। तो फर्स्ट ये भी हो गया tan इनवर्स वाला, और y भी निकला है, अब क्या निकालना है आपको, लास्ट z निकालना है, ठीक है। तो z आप निकाल लेंगे हाल झटके से, क्या हो जाएगा sin इनवर्स माइनस 1/2 क्या माना आपने z, ओके। अब देखिए नेगेटिव है, क्या है नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव को क्या करते हैं, नेगेटिव को क्या करते हैं पहले चेक करते हैं, तो कैटेगरी 1 का है साइन कोसेक, अब आपको याद हो जाना चाहिए ये क्या है कैटेगरी 1 का है, ठीक है। तो आप यहाँ पर साइड में ये लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है भाई, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, ऐसा लिखना ज़रूर होता है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में ऐसा लिखना भी सीखिए, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ जब माइनस क्या हो जाएगा बार साइन इनवर्स 1/2 बराबर क्या हो जाएगा जेड। अब आपका मेन काम क्या है, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू फाइंड करना, कैसे निकालेंगे साइन इनवर्स 1/2 को मान लेते हैं वी, ठीक है। अब इसको इधर ले जाते हैं तो इधर क्या हो जाएगा साइन, सॉरी इधर क्या हो जाएगा सिर्फ 1/2, इधर क्या आएगा साइन वी, है ना। कंपेयर करेंगे 1/2 से, तो ये होती है साइन पाई बाई 6 की वैल्यू, किसकी होती है पीछे चेक कर लीजिएगा आप, तो यहाँ से v कंपेयर करके क्या आया पाई बाई 6 आया ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पाई अपॉन 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा पाई अपॉन 6, तो साइन और सन बाई 2 कितना आया माइनस पाई अपॉन 6 बराबर क्या आया z, तो z आ गया आपका, x आ गया y आ गया, तो देखिए x प्लस y प्लस z कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा ना, तो x क्या है पाई बाई 4 2 पाई बाई 3, ठीक है, और क्या है माइनस पाई बाई 4, तो x प्लस y प्लस z ही तो आपका आंसर है, तो x कितना हो जाएगा आपका, x है आपका कितना था पाई बाई 4 था, ठीक है, प्लस वाई कितना था 2 पाई अपॉन 3 था, और जेड कितना है आपका माइनस पाई अपॉन 6 था। एलसीएम चेक करेंगे 4, 3, 6 का एलसीएम, अगर नहीं आता है तो मैं आज ये भी सिखा दे रहा हूँ, 4, 3, 6 का एलसीएम ऐसे चेक करते हैं, तो देखिए 2 से डिवाइड करते हैं पहले, 2 आ गया, ठीक है, और यहाँ 3 रहेगा, यहाँ कितना जाएगा 3, फिर 2 से और करेंगे तो यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 3, फिर 3 से करेंगे तो ये तो 1 का 1 ही रहेगा, 3 का 1 और ये 3 से 1, तो जब एंड में 1-1 आ जाए तो ये एलसीएम हो जाता है, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 2-2 जब 4-3 जब 12, कुछ याद आया ना बचपन वाली चीज, तो इसका एलसीएम कितना आएगा आपका 12, और यहाँ 4 है तो देखिए 12 करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4-3 जब 12, तो 3 का ऊपर कर देते हैं तो इधर 3 पाई आएगा, इधर 3 है 12 करने के लिए 4 का मल्टीप्लाई, लेकिन करते ऊपर हैं तो कितना आएगा 4-2 जब 8 पाई, यहाँ 6 है तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लेकिन ऊपर, तो कितना आ जाएगा 2 पाई, समझ गए। ऐसे एलसीएम लेते हैं 8 और 3 11 11 में से 2 गए कितने हो जाए 9 पाई अपॉन 12, इसे 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 3 9 3 4 12, तो आंसर चेक करिए कितना आना चाहिए 3 पाई अपॉन 12 11th वाले का, समझ गए ना।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। चलिए नेक्स्ट करते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्या है भाई आपका, नेक्स्ट है आपका ट्वेल्थ वाला। ट्वेल्थ क्या है आपका, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स 1/2, ठीक है ना। देखिए अब आप वैसे तो निकाल ही लेंगे, ठीक है, तो और मैं अगर आपको इसमें एक जीनियस तरीका बताता हूँ जल्दी से, ठीक है, ट्रिक मान लीजिए, जीनियस तरीका समझ लीजिए। देखिए सीधा याद करिए, बिल्कुल डायरेक्ट करना हो तो, कॉस 60 की वैल्यू अगर आपको याद है, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। अगर आपको ये याद है कि कॉस 60 मतलब पाई बाई 3 की वैल्यू क्या है, 1/2, तो सीधा ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसकी जगह आप सीधे यही लिखना होता है पाई वाला, तो ये क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 3, समझिए या नहीं। कॉस इनवर्स, देखिए बाकी क्वेश्चन तो करा ही दिए ना, तो ये जीनियस वाला तरीका ही बता दे रहा हूँ, जल्दी करना है। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, ये वाली वैल्यू चेक करनी है, काय पे होती है कॉस 60 पे, 60 क्या होता है पाई बाई 3, तो सीधा पाई बाई 3 लिख सकते हो, प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, जिन बच्चों को वैल्यूज याद हो गई हैं, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है आपको याद है, ये चेक करना है कि 1/2 साइन पे काय पे आता है, साइन 30 पे, तो साइन 30 का मतलब साइन पाई अपॉन 6 है, इसका मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा आपका, पाई अपॉन 6, तो ये इसकी जगह आप क्या यूज़ करेंगे, पाई अपॉन 6, समझ गए ना। जो स्टेप थे वो सब नहीं करने अगर आपको ऐसे याद हो रहे हैं तो, ओके। अब 2 से ऐसे काट दीजिए 3, ये 2 से इसमें ही तो इंटू करा, तो ये क्या है पाई बाई 3, अब पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई अपॉन 3, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे कहते हैं कि ट्रिक बताइए, ठीक है, तो उनके लिए ये हो जाता है ना। अब देखिए, अब 13 वाला दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाइए, क्योंकि आप स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत नहीं जानते थे इनवर्स में, तो इसलिए मैंने ये चीज़ें छुपाई आपसे, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, क्या लास्ट में मेरा काम है आपको कि हर चीज़ आपको कम से कम समझा तो दूँ ही लास्ट तक। देखिए ये जो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स होता है ना, ठीक है, इनका आंसर आप याद रखिएगा, इनवर्स में इनका आंसर हमेशा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 आएगा, साइन का, टेन का, ठीक है, और किसका, कोसेक का। देखिए साइन का, देखिए ये चीज़ें लिखी हैं यहाँ पर, समझिए, साइन का माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, कोसेक इसका भाई, इसका भी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और टेन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, समझ गए। और बाकियों का आंसर 0 से पाई आएगा, कोसेक का ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ जो कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 लिखा था ना, तो कैटेगरी 1 का आंसर हमेशा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ही आएगा, कैटेगरी 2 का आंसर 0 से पाई आएगा, ये काम आएगा आपके नेक्स्ट वाले उसमें पॉइंट एक्स सेकेंड वाली एक्सरसाइज में। तो अभी से ही समझा देता हूँ, कैटेगरी 1 में साइन टेन इनवर्स, इसकी जो रेंज होती है, जो आंसर आता है, उसको माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कहते हैं, ठीक है, और इसका आंसर 0 से पाई आता है, समझे या नहीं दोस्तों, ठीक है। तो ये इसकी रेंज होती है, मतलब अगर साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई है, ठीक है, तो ये आपको याद ही करना होता है। देखिए अगर साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या है, वाई, तो साइन इनवर्स का आंसर वाई जो होगा, वाई, ये वाला वाई दोस्तों, ये इसका आंसर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ही आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, कौन सा वाला, बी वाला दोस्तों, समझ गए ना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या सही होगा, बी वाला, ओके। तो ये चीज़ समझ गए, अगर यहाँ कॉस इनवर्स एक्स बराबर वाई होता तो आंसर ये हो जाता 0 से पाई, टेन इनवर्स होता तो भी यही हो जाता, sec इनवर्स होता तो ए हो जाता, समझ गए ना, sec cos में ये हो जाता, लेकिन sin cosec tan में ये हो जाता, ओके। आई होप आपके ये बात समझ आ गई हो अच्छे से, नहीं आई हो तो कमेंट करना है, मेरी जिम्मेदारी है आपको सही समझाना। चलिए लास्ट वाला करते हैं, 14 वाला क्या है, tan इनवर्स रूट 3 माइनस sec इनवर्स माइनस हाफ माइनस 2, ठीक है, कौन सा है 14 वाला, tan इनवर्स रूट 3 माइनस sec इनवर्स माइनस 2, ठीक है ना। देखिए इसको भी थोड़ा जीनियस तरीके से करेंगे जल्दी से, tan इनवर्स रूट 3, जल्दी सोचिए कि रूट 3, tan रूट 3 काय पे आता है, ठीक है, वैसे आप कैसे करना है, नॉर्मल तरीके से जिसको करना है वैसे, और डायरेक्ट जिसको करना है वो कैसे करेगा, याद करिए, tan रूट 3 काय पे आता है आपका पाई अपॉन 3 पे, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, रूट 3, टेन 60 की क्या होती है, रूट 3, तो जो भी जिस पे भी वैल्यू आती है, जैसे 60 पे आ रही है ना, तो वही इसका आंसर है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, क्या पाई अपॉन 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 3, ठीक है। और वैसे कैसे करेंगे आप, वैसे आप ऐसे करेंगे, टेन इनवर्स रूट 3 बराबर क्या मानेंगे, वाई, है ना, इसको वाई मान लिया,
और फिर इसको इधर लेके निगेटिव नहीं है तो इधर चला जाएगा। रूट थ्री बराबर क्या आ जाएगा, 10y। फिर कंपेयर करेंगे रूट थ्री बराबर 10, पीछे चेक कर लिए 10 पाई अपॉन 3 होता है, तो y कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 3। y कितना आ गया सीधा, पाई अपॉन 3, चाहे ऐसे चाहे जल्दी से, ठीक है, कैसे भी आप देख लीजिएगा। अब माइनस sec इनवर्स माइनस 2 की वैल्यू, इसे निकालना थोड़ा अच्छा रहेगा, तो इसे हम इधर निकालते हैं। sec इनवर्स माइनस 2 को हम मान लेते हैं इधर, क्या मान लेते हैं, मान लीजिए इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है, क्या मानना है, x। तो अब इसको इधर ले जा सकते हैं, नहीं, क्यों नहीं ले जा सकते, क्योंकि निगेटिव है, क्या है, निगेटिव। तो cos, sec और cot ये तीनों कैटेगरी 2 के होते हैं, तो हम यहाँ पर निगेटिव कैसे हटाएंगे, पाई माइनस sec इनवर्स 2, पाई माइनस sec इनवर्स 2 बराबर x, समझ गए ना, ये याद है ना, ये कैटेगरी 1 और 2 वाली चीज़ कि sec इनवर्स माइनस x कैसा होता है, पाई माइनस sec इनवर्स x, है ना। तो ऐसे हमने क्या करा इधर, पाई माइनस sec इनवर्स 2 की जगह 2 आ गया। ओके, अब sec इनवर्स 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइड में निकालेंगे, sec इनवर्स 2 की वैल्यू क्या मानेंगे, मान लेते हैं इसे u, तो अब नेगेटिव नहीं इधर जा सकता है, तो इधर क्या आएगा, 2 बराबर sec u, ठीक है। अब 2 बराबर, जिसको नहीं याद है तो वो क्या करेगा, sec को 1 अपॉन cos u लिख देगा, इसे ऊपर इसे नीचे ले जाएगा, तो cos u कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। अब कंपेयर करिए, cos पाई अपॉन 3 की दोस्तों वैल्यू 1/2 होती है, पीछे से चेक करना है आपको, है ना, नहीं याद है तो u क्या हो जाएगा आपका, पाई अपॉन 3, मतलब ये वैल्यू क्या है, पाई अपॉन 3। तो इसकी वैल्यू आप रख देंगे ना कि ये क्या आ जाएगा, पाई माइनस पाई अपॉन 3, ठीक है। तो इसको इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3 बराबर क्या हो जाएगा, x, ठीक है। तो इधर कितना आ जाएगा, 2 पाई अपॉन 3 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, x, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई x की, यही तो था x, कितनी आ गई, 2 पाई अपॉन 3। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, sec इनवर्स माइनस हाफ, सिर्फ इतना क्वेश्चन बोर्ड में 2002 2005 ऐसे करके 2012 में भी आया था, 2016 में भी आया था। सिर्फ sec इनवर्स माइनस 2 की वैल्यू इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये बोर्ड में अक्सर आती है, 2π/3 कैसे निकालनी है समझ चुके हो ना, तो इसको एक बार प्यार से अच्छे से प्लीज़ अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो इस sec इनवर्स माइनस हाफ की वैल्यू आपने निकाल ली, क्या है, 2π/3, तो इधर रखेंगे 2π/3। ओके, अब क्या करना है आपको, इसका एलसीएम क्या है, 3 है, तो पाई में से 2π माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस पाई आएगा, माइनस पाई, तो कितना आंसर आया इसका, माइनस पाई अपॉन 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस पाई अपॉन 3 क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। और ऑप्शन चेक करेंगे तो कौन सा ऑप्शन है आपका, बी वाला, कौन सा है, बी वाला, इसके ऊपर वाला भी बी वाला। ओके, आई होप आपको इनवर्स पूरा क्लियर हो गया हो, अगर नहीं क्लियर हुआ हो एक बार ट्राई करना, ये दोनों क्वेश्चन ज़रूर कर लेना, एग्जाम्पल वाले भी, ठीक है, एक मार्क आपका पक्का है, प्लस अगली एक्सरसाइज के लिए आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं कौन वीडियो पूरी देखता है या नहीं, ठीक है, क्योंकि जिस बच्चे ने मेंबरशिप में बोला है कि वीडियो चाहिए, देखते हैं कि वो बच्चा खुद से बताता है या नहीं। लास्ट में एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको खुद से, टेन इनवर्स माइनस 1 की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा और दे देता हूँ आपको, दूसरा क्या होता है, कोसेक इनवर्स माइनस 2 की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। थर्ड एक और ले लीजिए, sec इनवर्स माइनस 2 अपॉन रूट 3 की वैल्यू आपको निकालनी है। जो बच्चा वीडियो लास्ट तक देखेगा वो ज़रूर कमेंट करके मुझे आंसर बताएगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा, तीनों ऑर्डर में आंसर देना है कि फर्स्ट का आंसर ये, सेकंड का ये, थर्ड का ये, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि उस बच्चे को अच्छे से आया। और जो भी आंसर देगा उस बच्चे को मैं अलग से ट्रीट करूँगा, अलग से उसके डाउट बताऊँगा, हर वीडियो के ज़रूर उसके हर डाउट में बताऊँगा, जो भी इसके तीनों के आंसर मुझे देगा लास्ट में, ठीक है। तो कमेंट करना है अगर आपको डाउट हो, और कमेंट ये भी करना है इसके आंसर्स, है ना। और दोस्तों पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करना मत भूलना, फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो बताने की ज़रूरत नहीं है, सब्सक्राइब करना है आपको। ओके, और दोस्तों के साथ शेयर करो, शायद और किसी को भी इनवर्स समझ में आ जाए। और दोस्तों अगर बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए, 95 मार्क्स से ज़्यादा चाहिए, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन करो, जिसमें मैं पर्सनली आपका ख्याल रखूँगा, ठीक है, और आपकी टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी कराऊंगा, काफ़ी चीज़ें, और जो वीडियो आप बोलोगे वो वीडियो अपलोड करा करूंगा, ठीक है। तो मेंबरशिप ज्वाइन करिए, जिसकी फ़ीस सिर्फ 300 है। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इतना सारा टाइम देने के लिए और मेरे साथ पढ़ने के लिए, हमेशा साथ रहना, लव यू, बाय बाय, और खुश रहिए, कोई भी दिक्कत हो ज़रूर बताइएगा, बाय बाय।